स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था अभी प्रीवियस लेक्चर में कि दो तरह का महत्वपूर्ण बेलमेंट होता है। एक तो सशुल्क बेलमेंट और एक होता है निःशुल्क बेलमेंट। निःशुल्क बेलमेंट का मतलब होता है नॉन ग्रेसियस बेलमेंट, यानी जिसमें एक पक्षकार या दूसरे पक्षकार के पास माल जमा कराता है, या दूसरा पक्षकार पहले पक्षकार से माल जमा करता है, या बेलमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें किसी तरह का चार्ज का लेन देन नहीं होता है, किसी तरह का प्रतिफल का लेन देन नहीं होता है, तो उसको हम निःशुल्क निक्षेप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट से आपने बुक्स ली और लेकर दो दिन या पाँच दिन के लिए पढ़ने के लिए, और पाँच दिन के बाद पढ़ने के लिए लौटा दी, और बदले में उसने पैसा चार्ज नहीं किया, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो निःशुल्क बेलमेंट कराएगा। इसी प्रकार आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अपनी गाड़ी को अपने पड़ोसी के यहाँ आपने सेफ कस्टडी के लिए 5-7 रोज के लिए रख दिया और उसने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, तो वो निःशुल्क बेलमेंट कहलाएगा। सशुल्क बेलमेंट इसका जस्ट विपरीत है। इसके अंदर हम किसी वस्तु या किसी माल का जब निक्षेप करते हैं, तो निक्षेप करने वाला या निक्षेप करने वाला और निक्षेप रखने वाला दोनों के बीच में प्रतिफल का लेन देन होता है, तो उसको हम नॉन ग्रेसियस बेलमेंट कहते हैं, यानी सशुल्क निक्षेप कहलाता है। उसमें वो चार्ज वसूल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं बाहर जा रहे हैं और पार्किंग स्टैंड पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, और पार्किंग स्टैंड वाला आपकी गाड़ी को खड़ी करने के चार्जेज वसूल करता है, तो वो ग्रेसियस बेलमेंट नहीं कहलाएगा, वो ग्रेसियस बेलमेंट कहलाएगा, और उसके अंदर नॉन ग्रेसियस बेलमेंट कहलाएगा, और उसमें वो पैसा चार्ज करेगा, प्रतिफल का लेन देन होता है। इसी तरह से आप किसी से कोई वस्तु किराए पर लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल टेंट हाउस से कुछ मटेरियल आप लेके आते हैं यूज़ के लिए, और उसके बदले में वो पैसा चार्ज करता है, तो वो नॉन ग्रेसियस बेलमेंट कहलाता है, सशुल्क निक्षेप कहलाता है। तो निक्षेप बेसिकली दो तरह का होता है। ये भी एक अलग तरह का काइंड का निक्षेप है, जिसमें एक में शुल्क का लेन देन होता है, एक में शुल्क का लेन देन नहीं होता है। तो दोनों की थोड़ी अलग अलग कंडीशंस हैं। जो निःशुल्क निक्षेप है, उसमें महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि जो निक्षेप करने वाला पक्षकार है, अगर वो निःशुल्क निक्षेप कर रहा है, तो उसको जो भी डिफॉल्ट्स उस माल में हैं, उस फॉल्ट्स के बारे में जो बैली है, उसको अवगत पहले से अवगत कराना पड़ेगा कि इसमें फॉल्ट, इस माल में ये फॉल्ट्स हैं, ये दोष हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि निःशुल्क निक्षेप करने वाला व्यक्ति कभी भी उस माल को वापस ले सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी मित्र को आपने 10 दिन के लिए कोई गाड़ी उसको यूज करने के लिए दी, आपने निःशुल्क निक्षेप था वो, तो आप 10 दिन से पहले भी उसको रिकॉल कर सकते हैं और अपने काम में ले सकते हैं। तो निःशुल्क निक्षेप में जो निक्षेपी है, उसको समय से पहले भी वस्तु को, माल को प्राप्त करने का अधिकार होता है, जबकि सशुल्क निक्षेप में ऐसा नहीं होता है। सशुल्क निक्षेप में आपने टेंट हाउस के अगर 5 दिन के लिए कोई वस्तु किराए पर ली, तो आप 5 दिन के बाद ही उसको लौटाएंगे, उससे पहले लौटाने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते। तो ये मैंने आपको सशुल्क निक्षेप और निःशुल्क निक्षेप का उदाहरण बताया। जो नॉन ग्रेसियस बेलमेंट होते हैं, वो हम अब लाइफ में बहुत करते हैं। जैसे हर कई वस्तुएं हम बाजार से किराए पर लेते हैं, वो एक तरह से नॉन ग्रेसियस बेलमेंट ही होता है। जैसे किसी से कार किराए से लेते हैं, या कोई किसी भी वस्तु को हम हायर करते हैं, वो भी अब नॉन ग्रेसियस बेलमेंट होता है। तो बेसिक डिफरेंस ग्रेसियस और नॉन ग्रेसियस बेलमेंट में ये है कि सशुल्क निक्षेप में पक्षकारों के बीच में प्रतिफल का आदान प्रदान होता है, जबकि निःशुल्क निक्षेप में पक्षकारों के बीच में प्रतिफल का आदान प्रदान नहीं होता है। निःशुल्क निक्षेप जो है, ये बेलर या बेली के लाभ के लिए होता है, दोनों में से किसी एक के लाभ के लिए होता है। हैं, जैसे आपने किसी को बुक्स उसको पढ़ने के लिए दी, तो वो पढ़ने वाले के लिए लाभ के लिए है। और लेकिन जो सशुल्क निक्षेप होता है, वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है, क्योंकि आप टेंट हाउस से सामान किराए लेके आते हैं, तो बदले में टेंट हाउस वाले को उसका चार्जेस देते हैं, और बदले में वो आपको वस्तु यूज़ करने के लिए देता है, तो दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिशियल होता है। जबकि सशुल्क निःशुल्क निक्षेप जो होता है, वो एक पक्षकार के लिए बेनिफिशियल होता है, एक पक्षकार उसमें एक सेक्रीफाइस करता हुआ दिखाई देता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि सशुल्क निक्षेप के अंदर अगर कोई माल में दोष है, तो बेलर को, बेली को पहले बताना पड़ेगा, जिसका उसको पता है दोषों का, उसको बताना पड़ेगा, उसको ये बताना पड़ेगा इस माल में ये फॉल्ट है।
जबकि सशुल्क निक्षेप में तो चाहे उसको पता हो या ना हो, माल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसका देने की तरह होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सशुल्क निक्षेप को समय से पूर्व समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी जिस समय के लिए आपने निक्षेप का कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे पहले आप समाप्त नहीं कर सकते नॉन ग्रेसियस बेलमेंट को, जबकि ग्रेसियस बेलमेंट को आप समय से पहले ही अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। तो ये मैंने महत्वपूर्ण बातें आपको ग्रेसियस बेलमेंट और नॉन ग्रेसियस बेलमेंट के बारे में बताई, इनको आप जरा बुक से कंसल्ट करके कन्फर्म कर लीजिए। थैंक यू।